कुछ और बढ़ गई है अंधेरों की जिंदगी, कुछ और बढ़ गई है अंधेरों की जिंदगी, यूं भी हुआ है जश्न चरागा कभी कभी। हाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू गज़ल सदियों का सफ़र तय करके नई जहतों और नए इम्कानात से आशना हो चुकी है, लेकिन गज़ल का जो बुनियादी मिजाज है वो मोहब्बत की ज़बान में मोहब्बत की गुफ्तगू करना है। इसकी बेहतरीन तर्जुमानी के लिए मोहतरमा सबा बलरामपुरी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी बेहतरीन गज़ल से हमें नवाजे। मोहतरमा सबा बलरामपुरी साहिबा। हाज़रीन गिरामी, बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, आपने सभी को अपनी दुआओं से नवाजा। हाज़रीन गिरामी, उन्हीं दुआओं की ख्वाहिश रखती हुए सदर मुशायरा की इजाज़त से गज़ल का मतला और चंद शेर हाजिर करती हूँ, समात फरमाए। इरशाद। नया अद करना है, नया अद करना है उसको ना भूल जाना है, नया अद करना है, नया ये शेर भी हाजिर करती हूँ बतौर खास। भड़क रही है, भड़क रही है तासुब की आग चारों तरफ, अब अपने घर को नहीं, अब अपने घर को नहीं देश को बचाना है, अब अपने घर को नहीं देश को बचाना है, नया अद करना है उसको ना भूल जाना है, चुका दिया है, चुका दिया है हर एक तर्ज में इन सांसों का, बस एक कर्ज है, बस एक कर्ज है मिट्टी का जो चुकाना है, बस एक कर्ज है मिट्टी का जो चुकाना है। और हजरात, ये शेर जो मुझे बेहद अजीज़ है और मुझे यकीन है कि आप दुआओं से नवाजेंगे, समात फरमाए। फसाद कोई ना, फसाद कोई ना राम और रहीम का झगड़ा, मेरे समाज से बेहतर शराब खाना है, मेरे समाज से बेहतर शराब खाना है, ना याद करना है उसको ना भूल जाना है। और हजरात, ये शेर भी हाजिर करती हूँ बतौर खास। चराग शब में, चराग शब में जहाँ आंसुओं के जलते हैं, उसी गली में, उसी गली में हमारा गरीब खाना,
इसको ना भूल जाना है। और हजरात मक्ती का ये शेर भी हाजिर करती हूँ, समाज फरमाए। सबा में गर्दिशे बहुत अच्छे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फरहान पटेल साहब से कि आप इस बच्ची को मोमेंट और सर्टिफिकेट से नवाजें। सामाइन, हमारे इदारे में 3 असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने लगातार साल भर हमारे इदारे को अखबारात की सुर्खियों में रखा। एक है जनाब ज़फ़र आलम जामई साहब, दूसरे जनाब आसिफुर रहीम साहब और तीसरे नकीब हुरे। इन तीनों हजरात ने हमेशा हमारे अदारे को, यानी रफ़ीउद्दीन फ़कीह बॉयज़ हाई स्कूल को, अखबारात की सुर्खियों में बनाए रखा।